नवाचारी शिक्षक हमेशा यह प्रयास करते हैं कि उनकी शाला की विभिन्न व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलें और कक्षा शिक्षण भी बेहतर बने, लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि वे अपनी कुशलताओं का प्रयोग करें। जैसे कि टोंक जयसिंहपुरा के धन्नालाल वर्मा कक्षा पहली और दूसरी के विद्यार्थियों को भाषा सिखाने के लिए अपनी चित्रकला का भरपूर उपयोग करते हैं। बच्चे खेल खेल में जल्दी सीखते हैं और उनका ध्यान चित्रों पर ज़्यादा, विशेषकर चित्रों में ज़्यादा रुचि लेते हैं। चित्र बनवाने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि उनकी जो उंगलियों हैं उनमें मतलब कलम पकड़ने की क्षमता विकसित हो जाए, कि उसकी कलम पकड़ने की उसमें क्षमता विकसित हो जाती है, मांसपेशियाँ उसकी मजबूत हो जाती है, कलम अच्छी तरह पकड़ना सीख लेता है। तो जब हम कोई अक्सर जैसे खे की बनावट बनवाते हैं या के की बनावट बनवाते हैं, तो वो क्योंकि उसको कलम पकड़ना आ गया तो हम जैसे उसको घुमाते हैं ना, वो वैसे कलम को घुमा के अक्सर बना देता है। भाषा शिक्षण में कि पहले उनका जो सुनने का जो बोलने का कौशल है उसकी पूर्ति हो जाए, जैसे मछली का चित्र बना देते हैं तो वो उसको अपने पर्यावरण से अपने वातावरण से उसने देखा ऐसा, तो उससे उसकी बोलने की जो हिचक है वो दूर हो जाती है, वो नज़दीक आता है गुरु जी के पास। जो भी मैं सिखाना चाहता हूँ उसका चित्र तुरंत बोर्ड पे रंगीन चौक के द्वारा, रंगीन चौक भी रखता हूँ मैं कक्षा में और चित्र कार्ड शीट पे भी बना देता हूँ। अभिभावक संपर्क के लिए मैं ये करता हूँ कि कोई बच्चा यदि 2-4 दिन 5 दिन नहीं आ रहा होता है तो उसका जो बड़ा भाई बहन बड़ी कक्षा में पढ़ रहा है, जैसे पहली दूसरी में पढ़ा रहा होता तो 5वीं या 6वीं में कोई उसका बड़ा भाई बहन या उसके पड़ोस का कोई बच्चा है उससे पूछता हूँ, प्रार्थना सभा में भी पूछ लेता हूँ कि भाई आज ये क्यों नहीं आ रहा है बच्चा, तो उसको बताते हैं, कारण बता देते हैं उसके। फिर मान लो कोई बकरी चराने की वजह से ही नहीं आ रहा, गाँव गया जब तो कोई बात नहीं, लेकिन बकरी चराने के या अपने छोटे बहन भाइयों को रखने के हिसाब से रुक रहा है तो फिर उसके अभिभावक को बुलवाते हैं, माँ को या पिता को या दादा को जो भी आ सकता है वही बुला के लाते हैं। फिर उनको समझाते हैं कि ये इनका पढ़ने लिखने का जो समय है वो अभी चला जाएगा छोटे बालकों को रखने में या बकरी चराने में, तो फिर ये समय वापस लौट के नहीं आएगा, फिर ये कुछ सीख नहीं पाएंगे और बच्चों से पीछे हट जाएंगे। मेरी ये सोच है कि जो बच्चे होते हैं वो देश के अपने भावी नागरिक होते हैं, मैं उनमें देश का भविष्य देखता हूँ कि ये बच्चे संस्कारित होंगे अच्छे बनेंगे तो हमारा समाज है देश है वो भी अच्छा बनेगा, इसलिए कुछ ना कुछ इनके लिए किया जाए। तो कैसे भी करके समय बचाकर उनसे बातचीत करता हूँ और उनसे जुड़ा रहता हूँ, उनके साथ लगा रहता हूँ।